विदेशों में भारतीय बसते हैं, लाखों की गिनती में भारतीय बसते हैं, पंजाबी भी उसमें बहुत ज्यादा हैं, वहां पे जो दूतावास हैं वो भारतीयों को सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, वो उनको दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अगर कोई पासपोर्ट बनाना है या कोई रिन्यू पासपोर्ट कराना है या कोई पॉलिटिकल असाइलम का केस है तो वो दिक्कतें करते हैं। सऊदी अरब जैसे वहां पे शरीयत के कानून है, सऊदी अरब में कुछ जो एजेंट हैं वो सपने दिखा के सभापति जी यहां से ले जाते हैं भारतीयों को, खासतौर पे पंजाबियों को, तो वहां पे जाके वो फंस जाते हैं, उनको स्लेव बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से वो निकल जाते हैं उनकी कैद से। जब वो भारतीय दूतावास में पहुंचते हैं तो दूतावास कहता है कि जहां से आए हो वहां से एनओसी लेके आओ। हाउ इट इज पॉसिबल कि जिसकी कैद से बच के आए हैं वहां से एनओसी कैसे मिल सकती है? मैं ये कहना चाहता हूं सर, यूरोप में, अमेरिका में और कनाडा में यही शिकायतें आ रही हैं पासपोर्ट बनाने की, जब पॉलिटिकल असाइलम जिन्होंने लिया उनके बच्चों के पासपोर्ट बनाने की, ये रिश्वत बंद होनी चाहिए सर। और सरकार की तरफ से चौधरी आदेश।